दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भले ही भारत को हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन इस मुकाबले में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी जुझारू बल्लेबाजी से सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत दिया। ये एक ऐसा मुकाबला था जहां एक समय भारत मुकाबले को बिल्कुल हार चुका था, वहां से ये खिलाड़ी आखिरी ओवर तक टीम इंडिया के लिए जीत की इकलौती उम्मीद बनकर खड़ा था। भले ही सैमसन भारत को लाइन क्रॉस करवाने में सफल नहीं हो पाए, लेकिन अपने नाम इस खिलाड़ी ने बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। तो दोस्तों, आखिर कैसे संजू सैमसन के नाम पहले वनडे मैच में हासिल हुई, कौन सी उपलब्धि, वो सब तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ में खेले गए एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 9 रनों के अंतर से हरा दिया। हालांकि ये नतीजा जितना क्लोज लग रहा है, एक समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि अफ्रीका इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीतने की दहलीज पर खड़ा था, लेकिन उनके सामने दीवार की तरह आकर संजू सैमसन खड़े हो गए। दरअसल इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने डेकॉक के 48 और अंत में मिलर और क्लेसन द्वारा 139 रनों की तूफानी साझेदारी के बदौलत 110 रन पर 4 विकेट के हिसाब से बोर्ड पर स्कोर था और उसे उठाकर पहुंचा दिया 249 रन के बड़े स्कोर तक, जिसे हासिल करने के क्रम में भारत की शुरुआत बिल्कुल ही खराब रही। गिल, धवन, किशन और गायकवाड़, ये चारों बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए और 51 रनों की पारी टीम इंडिया ने खेली और उसी में 4 विकेट गंवा दिए और यहां से परेशानियां खड़ी हो गई। लेकिन इसके बाद पहले श्रेयस अय्यर ने तूफानी अंदाज में 37 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम को थोड़ी बहुत वापसी कराई और जब वो आउट हुए इसके बाद संजू सैमसन ने मोर्चा संभाल लिया और 118 रन पर आधी टीम वापस आउट होकर पवेलियन चली गई थी। बावजूद इसके आखिरी तक ये खिलाड़ी मैदान में डटा रहा और इस बीच शार्दुल ठाकुर ने भी 31 गेंदों में 33 रन बनाकर उनका अच्छा साथ निभाया। ये दोनों बल्लेबाज मुकाबले को काफी डीप लेकर चले गए और एक समय तो भारत को आखिरी 18 गेंदों में जीतने के लिए 45 रनों की दरकार थी और दोनों खिलाड़ी सेट थे। नतीजा किसी भी टीम के हक में जा सकता था, भारत के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन पहले एंगीरी और फिर रबाडा ने बैक टू बैक किफायती ओवर निकालकर टीम इंडिया के लिए मुश्किल बना दिया ये काम। बावजूद इसके भारत को जब आखिरी ओवर में 30 रनों की दरकार थी, संजू सैमसन ने हार नहीं मानी और इस खिलाड़ी ने आखिरी ओवर करने आए तबरेज शमसी को आड़े हाथों ले लिया और उनके पहले 3 गेंदों में 14 रन ठोककर मैच में जान बनाए रखी। लेकिन जब 3 गेंदों में 15 रन चाहिए थे तब संजू भारत को लाइन पार नहीं करवा सके और एक मुश्किल काम को अंजाम देने में उन्होंने टीम इंडिया को 240 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। लेकिन 63 गेंदों में 9 चौके और 3 बेहतरीन छक्कों की बदौलत इस शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ने 86 रनों की पारी खेली और एक लूजिंग काउच में भी संजू सैमसन ने अपने नाम में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। दरअसल भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपने एक दिवसीय क्रिकेट करियर का 2रा अर्धशतक जड़ा और इसी के साथ ही उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय करियर का अब तक का सर्वाधिक स्कोर अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की और एक हारे हुए टीम का हिस्सा होने के बावजूद इस खिलाड़ी ने अपने फैंस को मायूस नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।